राजा और उसके एक टांग वाले घोड़े। सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात चीनू, देखो तो कितना सुंदर चमकीला सूर्य निकल आया है। अरे मेरे छोटे महाराज, इतनी जल्दी जग गए। मगर दादी माँ, आज रविवार है, विद्यालय नहीं जाना है, इसलिए मैं देर से भी उठ सकता हूँ। देखो आपकी छोटी महारानी भी अभी अभी उठी है। सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात मेरे नींद में डूबे बच्चों, इधर आओ। आज तुम क्या करने वाले हो? दादी माँ, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? आपने कल रात भी हमें कहानी नहीं सुनाई थी। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाती हूँ। मैं भी कहानी सुनना चाहता हूँ। राजा फुट्टा आओ, दादी माँ कहानी सुना रही है। अब मुझे शुरू भी करने दो। एक बार की बात है, एक बड़े साम्राज्य दमदम पर एक मूर्ख राजा का शासन था। राजा को पढ़ना और हिसाब करना नहीं आता था, मगर उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। वह बहुत घमंडी भी था। उसका बुद्धिमान मंत्री सदा उसकी मदद करता था। एक सुबह राजा अपने महल से बाहर सैर के लिए गया। वह अस्तबल में अपने घोड़े देखना चाहता था। उसके सिपाहियों ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ महाराज, कितना प्यारा मौसम है। हाँ महाराज। प्यारा मौसम? ये तो बहुत गर्म है। तुमने हाँ महाराज क्यों कहा? सुनो, तुम नए हो, बस मुझसे सीखो। तुम्हें उनके कुछ भी कहने पर सिर्फ हाँ महाराज ही कहना है, नहीं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। बस चलते रहो और कहते रहो हाँ महाराज। मेरे सुंदर घोड़े, उनकी टांगे कितनी ताकतवर हैं। मुझे इन्हें गिनने दो। 40 टांगे? ओह हे भगवान, 40 टांगे, तो 40 घोड़े। सिपाहियों इधर आओ, कल शाम तो यहां 10 घोड़े ही थे, आज मेरे पास 40 घोड़े हैं। कल रात 30 नए बच्चे पैदा हो गए क्या? हे भगवान, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। साम्राज्य में सबको मिठाई बांटी जाए, आज मैं बहुत खुश हूं। लो ये मोतियों का हार। ओ मेरे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? घोड़ों के सिर देखो, मैंने इन्हें गिना था, यहाँ सिर्फ 10 घोड़े ही हैं। इनका कद इतना छोटा है कि घोड़ों के सिर गिन ही नहीं सकते। हम मिठाइयां कैसे बांटें? उन्हें बताओ कि वे गलत कह रहे हैं। क्या तुम अपना सिर कटवाना चाहते हो? बस अपना सिर हिलाकर कहो जी महाराज। हम चलकर मंत्री जी को बुलाते हैं। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। आदरणीय मंत्री जी, कृपया आइए, कृपया गिनने में राजा जी की मदद कीजिए। सुप्रभात महाराजा। ओ सुप्रभात मंत्री, इस चमत्कार को देखो। कल रात मेरे पास 10 घोड़े थे और आज वे 40 हो गए। सिर्फ कल रात में ही 30 नए बच्चे पैदा हो गए। ओह बहुत अच्छे महाराज, मगर आपको कैसे पता चला? मंत्री, तुम प्रतिदिन मूर्ख होते जा रहे हो।
जरा झुक कर इनकी टांगे गिनो। ओ 40 टांगे। मगर महाराज जानते हैं इससे भी बड़ा एक चमत्कार हो गया है। वे क्या हैं? अब आपके पास इतने सारे एक टांग वाले घोड़े जो हो गए हैं। एक टांग के? ये कैसे होगा? मेरे पास सबसे बढ़िया घोड़े हैं। मगर महाराज अगर यहाँ 40 टांगे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ 40 घोड़े हैं, तो इन सब की एक ही टांग होनी चाहिए। क्या मैं सिपाहियों को मिठाइयाँ बांटने को कहूँ? क्योंकि यह उससे भी बड़ा चमत्कार है। किसी ने भी एक टांग के घोड़े नहीं देखे होंगे। रुको रुको मंत्री, मुझे लगता है गिनने में कुछ बदलाव हो सकता है। गिनने का कोई अन्य अच्छा तरीका भी होगा। तुम क्यों नहीं हिसाब लगाते? जरूर महाराज, यहाँ घोड़ों की 40 टांगे हैं। प्रत्येक घोड़े की 4 टांगे होती हैं। तो यहाँ कुल 10 घोड़े हैं। वही 10 घोड़े जो आपने कल रात देखे थे। ओ हाँ हाँ, मुझे ये अच्छी तरह पता है। मुझे लगा कि यह गणित का कोई नया तरीका है। आओ सैर करने चलें। ओ दादी माँ, ये कितनी हंसाने वाली कहानी है। राजा कितना मूर्ख था, मुझे भी पता है कि यह कैसे करना है। देखो यहाँ चूजों के पैरों के 10 निशान हैं। प्रत्येक चूजे की 2 टांगे हैं। इसका मतलब है कि 5 चूजे इस तरफ गए हैं। ठीक कहा बस, राजा कितना बेवकूफ था। आओ चलकर बगीचे में खेलें। शीला और साहिल भी वहीं आ जाएंगे। आज मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ महाराज। तुम बहुत मजाक करते हो बस। इधर देखो, इस तरफ बहुत सी बैलगाड़ियाँ गई हैं। मैं पहियों और बैलों के पैरों के निशान दोनों ही देख रही हूँ। अब मुझे इन्हें गिनने दो। यहाँ बैलों के पैरों के 32 निशान हैं। मीनू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तरफ से कितने बैल गए हैं। 32 पैरों के निशान। प्रत्येक बैल के 4 पैर हैं। इस तरफ से 8 बैल गए हैं। तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया चीनू? यह आसान है बस। मैं बताता हूँ कैसे। 32 पैरों के निशान और प्रत्येक बैल के 4 पैर, तो हमें 32 भाग 4 करना है, जो है 8। तो 32 को 4 से भाग करने के लिए मैंने 4 का पहाड़ा याद किया। मैंने जल्दी से इसके बारे में अपने मन में सोचा। 4 8 32, तो 32 भाग 4 हुआ 8। तो इस तरफ से 8 बैल गए हैं। अब मैं बताती हूँ कि इस तरफ से कितने बैलगाड़ियाँ गई हैं। प्रत्येक बैलगाड़ी को
दो बैल खींच रहे हैं। यहाँ 8 बैलों के पैरों के निशान है, तो इस तरफ से 4 बैलगाड़ियाँ गई होंगी। देखो मीनू, यहाँ 8 पहियों के निशान भी हैं। प्रत्येक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं, मतलब इस तरफ से 4 बैलगाड़ियाँ गई हैं। हम अपने उत्तर को इस तरह से जांच सकते हैं, तो हम ठीक है। ठीक है फुट्टा, देखो लोगों ने चप्पल मंदिर के बाहर उतार दी है। यहाँ 16 चप्पलें हैं। बस क्या तुम बता सकते हो कि कितने लोग मंदिर में गए हैं? मैं बता सकता हूँ चीनू, यहाँ 16 चप्पलें हैं। प्रत्येक व्यक्ति 2 चप्पल पहनता है। तुम कह सकती हो कि प्रत्येक व्यक्ति 1 जोड़ी चप्पल पहनता है। ठीक है, तो यह है 16 भाग 2 जो है रुको, मैं अपने मन में 2 के पहाड़े के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ है 8, 16/2 = 8 होता है, तो मंदिर में 8 लोग गए हैं। ठीक कहा बस। ओह, क्या हुआ बस? मैंने उस पेड़ पर एक मकड़ी देखी है। मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। इनकी बहुत सारी टांगे होती हैं। वे कीड़ों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। बस, यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। अब तुम मुझे बताओ, अगर यहाँ मकड़ी की कुल 24 टांगे हैं, तो कितनी मकड़ियाँ होंगी? मकड़ी की 24 टांगे? मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ बस, यहाँ मकड़ी की 24 टांगे हैं। प्रत्येक मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, तो हमें करना होगा 24/8 जो है 3, तो यहाँ 3 मकड़ियाँ हैं। फुट्टा, मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तुमने किया 8 दिए जो है 24, तो 24/8 3 होता है। ओ देखो, रानी आ रही है। मैं जाकर उसे मिलकर पूछती हूँ कि अब उसकी तबीयत कैसी है। क्यों, क्या हुआ मीनू? रानी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह 21 दिनों तक विद्यालय नहीं आई। नमस्ते रानी, अब तुम कैसी हो? 21 दिन, इसका मतलब है कि वह 3 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आई। 3 सप्ताह? कैसे? मीनू ने कहा 21 दिन। ठीक कहा बस, प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रानी 21 दिनों तक अनुपस्थित रही, तो हमने किया 21/7 जो है 3। हम इसे इस तरह से जांच सकते हैं, 21, तो 21/7 = 3। बस तुम पहाड़े बोलने में बहुत देर करते हो। मगर मैं उन्हें याद नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं और ये बहुत ज्यादा भी हैं। बस तुम्हें इन्हें रट कर याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहाड़े गिनने का एक आसान तरीका बताती हूँ। मान लो तुम्हें 7 का पहाड़ा कहना है, तुम्हें 5 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा कहना होगा और उन दोनों को जोड़ना होगा।
ओह, इसलिए क्योंकि 5 + 2 = 7 होता है, और 5 और 2 का पहाड़ा तो कितना आसान भी है। मीनू, इसे कैसे करना है? देखो, अगर तुम्हें 7 पंजे करना है, तो पहले हम करेंगे 5 पंजे, जो होता है 25। फिर तुम कर सकती हो 2 पंजे, जो होता है 10। अब बस 25 और 10 को जोड़ दो, जो है 35। तो 7 पंजे 35। ओह, यह कितना आसान है। हम 3 और 4 के पहाड़े भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 3 + 4 = 7 होता है। मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूँ। मान लो हमें 7 × 6 करना है। पहले हम 4 छक्के करेंगे, जो है 24। फिर हम 3 छक्के करेंगे, जो है 18। अब हम 24 और 18 को जोड़ देंगे, जो है 42। तो हुआ 7 छक्के 42। अरे, यह तो मजेदार है। 12 के पहाड़े के लिए हम 6 के पहाड़े को 2 बार कर सकते हैं। 13 के पहाड़े के लिए हम 10 और 3 का पहाड़ा और 5 और 8 का पहाड़ा भी कर सकते हैं। 10 और 3 का पहाड़ा 13 के पहाड़े से आसान है। 15 के लिए हम 10 और 5 का पहाड़ा कर सकते हैं। चीनू, तुम्हारी जेब इतनी मोटी क्यों है? इनके अंदर क्या है? ओह, मैं खेलने के लिए बहुत से कंचे लाया हूँ। मेरे पास 32 कंचे हैं। अगर मैं इन्हें बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट दूं, तो क्या तुम जानते हो कि मेरे पास कितने कंचे बच जाएंगे? मैं बताती हूँ कि यह कैसे करना है। बस, क्या तुम मेरे लिए एक छोटी छड़ी लाओगे? मैं एक नया तरीका लिखकर दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ 32 लिखूंगी, फिर मैं इस तरह से रेखाएं लगाऊंगी। मैं यहाँ 3 लिखूंगी। मगर क्यों मीनू, तुम इस तरह की रेखाएं क्यों लगाओगी? इसका क्या मतलब है? बस, यह भाग करने का एक और तरीका है। जब हम इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है 32 भाग 3। तो आओ अब इसे करें। पहले मैं करूंगी 3 × 2 = 30। तो मैं यहाँ 10 लिखूंगी और यहाँ 30। रुको रुको, यह इस तरह से क्यों लिखा है? बस, यह 3 × 2 = 30 है। अब यहाँ 30 लिखने के बाद हमें इसे 32 में से घटाना है। तो यह है 32 × 30 = 2। तो 10 ऊपर है। इसका मतलब हुआ कि हम सबको 10 कंचे मिलेंगे। इस 2 का मतलब है
कि मेरे पास दो कंचे बच गए। तो जब हम 32 कंचों को 3 हिस्सों में बराबर बांटेंगे तो हम सबको 10 कंचे मिलेंगे और 2 कंचे बच जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हम सबको 10-10 कंचे मिलेंगे। ओह, यह इस तरह से है। देखो, साहिल, जीतू और शीला आ रहे हैं। अब तुम्हें इन 32 कंचों को 6 में बांटना है। तुम इसे कैसे करोगे? यह आसान है। हम इसे ऐसे ही करेंगे। पहले हम यहाँ 32 लिखेंगे, फिर ये रेखाएं लगाएंगे। हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब हमें भाग करना है। 6 × 5 = 30। तो मैं ऊपर 5 लिखूंगी और यहाँ 30 लिखूंगी। फिर 32 × 30 = 2। तो 32 कंचों को जब हम 6 में बराबर बांटेंगे तो हम सबको 5-5 कंचे मिलेंगे और 2 कंचे बच जाएंगे। तो 32 कंचों को जब हम 6 में बराबर बांटेंगे तो हम सबको 5-5 कंचे मिलेंगे और 2 कंचे बच जाएंगे। यह तो बहुत मजेदार है। क्या मैं भी एक सवाल करूं? यहाँ 20 फूल हैं। 3 मधुमक्खियों में इन्हें बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक को कितने मिलेंगे और कितने बच जाएंगे? यह मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ 20 लिखूंगा, फिर रेखाएं लगाकर यहाँ 3 लिखूंगा। 3 × 6 = 18। 3 × 7 = 21। मीनू, मुझे क्या लिखना चाहिए? मैं वही लिखूंगा। बस देखो, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। 21 तो 20 से ज्यादा है, तो तुम्हें सिर्फ 3 × 6 = 18 ही करना है। तो तुम्हें यहाँ 6 लिखना है और यहाँ 18। अब तुम्हें करना है 20 × 18 = 2। तो जब तुम 20 फूलों को 3 मक्खियों में बराबर बांटोगे तो प्रत्येक को 6 फूल मिलेंगे और 2 फूल बच जाएंगे। जब तुम 20 फूलों को 3 मक्खियों में बराबर बांटोगे तो प्रत्येक को 6 फूल मिलेंगे और 2 फूल बच जाएंगे। देखो गोलू राम चाचा को, वे उदास दिख रहे हैं। आओ पता करें कि क्या कारण है। सुप्रभात गोलू चाचा, आप उदास क्यों हैं? सुप्रभात बच्चों, मैं उदास हूँ क्योंकि मुझे हिसाब लगाना नहीं आता। नदीम के घर में शादी है, वे चाहता है कि मैं एक डिब्बे में 3 लड्डू डालूं और ऐसे 31 डिब्बे बनाऊं। अब मैंने 75 लड्डू बना लिए हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे और लड्डू बनाने हैं या नहीं। आप चिंता न करें चाचा, मैं आपकी मदद करूंगी। हमें 3 लड्डू वाले 31 डिब्बे बनाने हैं। तो यह है 31 × 3 यानी 93।
आपको 93 लड्डू चाहिए, आपने 75 लड्डू बना लिए हैं, तो हमें करना है 93 घटा 75। यानी 18। आपको 18 लड्डू और बनाने हैं। मीनू, मैंने इसे कुछ अलग तरह से किया है। चाचा को 3 लड्डू वाले 31 डिब्बे चाहिए। पहले मैंने किया 30 × 3 = 90। फिर मैंने किया 1 × 3 = 3। मैंने 90 में 3 को जोड़ा, जो है 93। फिर मैंने 93 में से 75 को घटाया, जो है 18। मैंने भी तुम दोनों से थोड़ा अलग किया है। मैंने पहले किया 75 / 3। मैं रेखा लगाकर तुम्हारे लिए जमीन पर लिखता हूँ। अब 3 × 20 = 60। तो मैं ऊपर 20 लिखूंगा और यहाँ 60। अब 75 / 60 = 15। अब मुझे फिर से 15 को 3 से भाग करना है। फट्टा, तुम्हें 15 को दोबारा 3 से भाग क्यों करना है? वह इसलिए क्योंकि 15 लड्डू बच गए थे और 3 लड्डुओं के डिब्बे फिर से बनाए जा सकते हैं। तो 3 × 5 = 15। मुझे 20 के आगे ऊपर जमा लगाने दो और यहाँ 5 लिखने दो। फिर मैं यहाँ 15 लिखूंगा। 15 × 15 = 0। तो यहाँ और लड्डू नहीं है। अब ऊपर की ओर देखो, 20 + 5 = 25। तो प्रत्येक डिब्बे में 3 लड्डू हो तो 25 डिब्बों में 75 लड्डू आ सकते हैं। अब नदीम चाचा को तो शादी के लिए 31 डिब्बे चाहिए। अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। नदीम चाचा को शादी के लिए 31 डिब्बे चाहिए। गोलू चाचा के पास 25 डिब्बों के लिए लड्डू हैं, तो उन्हें 31 × 25 = 6 और डिब्बों के लिए लड्डू चाहिए। अगर उन्हें प्रत्येक डिब्बे में 3 लड्डू डालने हैं, तो उन्हें 3 × 6 = 18 लड्डू और बनाने होंगे। 18 लड्डू और। गोलू चाचा, आपको 18 लड्डू और बनाने होंगे।
धन्यवाद बच्चों, तुम सब बहुत समझदार हो। अब मुझे पता चल गया कि विद्यालय जाकर पढ़ना कितना जरूरी है। ओह, कितनी अच्छी बात है, एक ही उत्तर को पाने के विभिन्न तरीके हैं। अब मैं कुछ और नहीं कर सकता, मुझे भूख लगी है, मुझे सिर्फ लड्डू चाहिए। गोलू चाचा, अगर आप मुझे एक दे देंगे तो आपको 19 और बनाने होंगे। देखो, शीला, साहिल, गोपी और श्यामा आ रही हैं। आओ बगीचे में चलकर खेलें। नमस्ते मित्रों, आओ बगीचे में चलें। क्या हम क्रिकेट खेलें? पहले कूदने वाला खेल खेलें। चीनू, क्या तुम कूदने वाले खेल में एक ही बार में 3 कदम कूद सकते हो? 3 6 9 12 15 18 21 24 देखो, चीनू 24 तक पहुंच गया। बस क्या तुम बताओगे कि 24 तक पहुंचने के लिए वह कितनी बार कूदा? ओहो, मैंने तो गिना ही नहीं मीनू। बस तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। चीनू एक बार में 3 कदम कूदा, इस समय वह 24 पर है। तो वह कूदा 24 भाग 3। बराबर 8। 8 बार चीनू 24 तक पहुंचने के लिए 8 बार कूदा। अब मुझे बताओ, अगर चीनू 24 तक पहुंचने के लिए एक बार में 6 कदम कूदा तो वह कितनी बार कूदा? अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यह है 24 भाग 6 बराबर 4। चीनू 24 तक पहुंचने के लिए 4 बार कूदा। छे, 12, 18, 24। ओह, ये तो मजेदार है। शीला, अब तुम्हारी बारी है। चीनू, तुम उसे कोई संख्या दो। दोस्तों, तुम अपने मित्रों के साथ भी यह खेल सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि गणित में बहुत मजा है? तुम गुणा, भाग, जोड़, घटाना और विभिन्न तरीकों से एक ही उत्तर पा सकते हो। अब हम देखेंगे कि हमें हिसाब लगाना याद है या नहीं। प्रश्न और उत्तर। मीनू अपनी सहेलियों के लिए मोतियों से चूड़ियां बनाना चाहती है। उसे एक चूड़ी बनाने के लिए 8 मोती चाहिए। उसके पास 40 मोती हैं। वह अपनी कितनी सहेलियों के लिए चूड़ियां बना सकती है? 40 भाग 8 बराबर 5।
वह 5 चूड़ियां बना सकती है। तो वह अपनी 5 सहेलियों के लिए एक-एक चूड़ी बना सकती है। रामू के परिवार को 1 महीने के लिए 40 किलो चावल चाहिए। उसके परिवार को 1 सप्ताह के लिए कितने चावल चाहिए? पहले हमें याद रखना है कि 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो 40 भाग 4 बराबर 10। रामू के परिवार को हर सप्ताह 10 किलो चावल चाहिए। विद्यालय में 12 गेंद हैं, मगर खेल के मैदान में 48 बच्चे खेलने आए हैं। कितने बच्चों को मिलकर 1 गेंद से खेलना पड़ेगा? 48 भाग 12 बराबर 4। तो 4 बच्चे मिलकर 1 गेंद से खेलेंगे। असलम के पास 1800 अंडे हैं। वह बड़े डिब्बे में 300 अंडे रख सकता है। 1800 अंडे रखने के लिए ऐसे कितने डिब्बे चाहिए? 1800 भाग 300 बराबर 6। असलम को 1800 अंडे रखने के लिए 6 डिब्बे चाहिए। राजन ने आलू उगाए। उसके पास 240 किलो आलू हैं। अगर वह 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू बेचता है, तो वह कितने पैसे कमाएगा? 240 गुणा 5 बराबर 1200। राजन 1200 रुपए कमाएगा। आओ अब भाग करें। 44 भाग 4 बराबर 11 32 भाग 8 बराबर 4 16 भाग 2 बराबर 8 63 भाग 7 बराबर 9 42 भाग 6
बराबर 7, 40 भाग 8। बराबर 5, 100 भाग 10। बराबर 10, 39 भाग 3। बराबर 13, 81 भाग 9। बराबर 9, 30 भाग 5। बराबर 6, 6। आओ प्रश्न बनाएं। क्या तुम ऊंची आवाज में उत्तर दोगे? अंडों की 6 ट्रे हैं। प्रत्येक ट्रे में 8 अंडे हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या होगा? कुल कितने अंडे हैं? अब उत्तर करते हैं। 6 गुणा 8 बराबर 48। कुल 48 अंडे हैं। कक्षा में 42 बच्चे हैं। वे 6 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में बराबर बच्चे हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या होगा? प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं? अब क्या तुम मेरे साथ उत्तर करोगे? 42 भाग 6
बराबर 7। प्रत्येक पंक्ति में 7 बच्चे बैठे हैं। जॉन 12 पुस्तकें लाया। उसने कुल 120 रुपए दिए। तुम्हारा प्रश्न क्या होगा? प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या है? अब आओ उत्तर करें। 120 भाग 12 बराबर 10। तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 10 रुपए है। अच्छा दोस्तों, अलविदा।